उत्तर प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालय पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे हैं। पनवाड़ी विकास खंड के टपरियन गांव से प्रसव पीड़ा के लिए अस्पताल पहुंची महिला के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ द्वारा इलाज के नाम पर लगातार पैसे मांगने का दबाव बनाया गया, जो ना देने पर अस्पताल में भर्ती महिला को रेफर करने की धमकी दी गई। भर्ती महिला का उपचार तभी शुरू किया गया जब तकरीबन 3,000 की रकम वसूल ली गई। पनवाड़ी विकास खंड के टपरियन गांव से आए तीमारदारों ने जिला महिला अस्पताल पर इलाज के नाम पर जबरन वसूली करने के संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो जिला महिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा खुलेआम उगाही की जा रही है। अस्पताल में इलाज तभी किया जाता है जब तीमारदार पैसे देने को तैयार हो जाएं। परिजनों ने सीधे आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पहले 5,000 की डिमांड की जा रही थी, जिसके बाद तकरीबन 3,000 की रकम वसूल ली गई है। नाम है आपका? आज आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं, किस बात की कंप्लेन कर रहे हैं आप? किस डॉक्टर ने, किस नर्स ने पैसा मांगा था? कितने रुपए मांगे थे? आपने कितने दिए थे? कहाँ से हैं आप? कंप्लेन किया आपने? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति मेहनत करता है उसको दोष आरोप लगते हैं, तो इस तरह का हो जाता है क्या? स्वास्थ्य महकमे के ऊपर सवाल है। मैं आज ये यहाँ पे तीन जगह बाल ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, जिस पर मेरा नंबर डिस्प्ले होगा, वो मैं उसके यही कहूँगा सभी लोगों से, अगर कोई पैसे मांगता है तो पैसे ला दो। मैं जो नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको मुझको सूचित, क्योंकि इसका इतना तो आप भी जानते हैं कि पैसे लेना जितना बड़ा गुनाह, पैसे देना भी उतना बड़ा गुनाह। तो उसको भी पैसे नहीं देना चाहिए। आप पैसे देते देते पैसे दिए तो गलत है। मैं तीन जगह अपनी वॉल लाइटिंग कल करा दूँगा, तो उन वॉल लाइटिंग में मेरा नंबर डिस्प्ले होगा। अगर कोई पैसे, कोई भी पैसे मांगता है तो मुझे फोन आता है, मैं तुरंत जाऊँ।